Welcome guys. Today me and Avinash are going to talk about a very important topic, that is about class 12 guys who have just filled many forms, yeah, and are going to apply for colleges just after your 12th is completed. Yeah. So let's start. The most common question which you guys have in mind after your 12th is which career opportunity you are going to use. So bhaiya baat ye hai ki ab kaun sa college bhara jaye. अगर आप इंजीनियरिंग की तैयारी करना चाहते हो तो शायद आईटी में जाओगे. दूसरे हो जो कि मेडिकल की प्रिपरेशन कर रहे हो, काफी सारे हो जो कि कॉमर्स एंड आर्ट्स पे, और उनके ऑप्शंस दूसरे. तो यार यहाँ पे सबसे ज्यादा जो लोग फंसते हैं वो ये होता है कि चलो इंजीनियरिंग के लिए आपने कॉलेज में फॉर्म भर दिया, आपने मेडिकल के लिए कॉलेज में फॉर्म भर दिया, वो मेडिकल के लिए ही वेंट टू कोटा, राइट? ही वेंट टू कोटा, ही स्टडीड देयर फॉर 2 इयर्स, ठीक है. पहला एग्जाम दिया, पहले में वो पास नहीं हो पाया, ठीक है. दूसरा अटेम्प्ट दिया, दूसरे में भी पास नहीं हो पाया. नाउ दैट अब उसका ऐसे सिचुएशन हो गया है कि अब ना वो एग्जाम मतलब मेडिकल ना छोड़ सकता है, और ऐसा है कि कौन सा ऑप्शन उसके लिए बेस्ट है वो उसमें बीच में फंसा पड़ा है. तो यहाँ पे एक ना बड़ी सी बात आ जाती है जो ये हर स्टूडेंट को एक बार डिसीजन बनाना पड़ता है कि यार या तो मेरे को जो कॉलेज मिल रहा है वो ले लूं, या फिर मैं एक साल का ड्रॉप हूँ, और मैं ड्रॉप हूँ तो मैं कहाँ जाऊँ? शुड आई गो टू कोटा, शुड आई गो टू एनी अदर मेट्रोपॉलिटन सिटी वेयर वी हैव द गुड कोचिंग सेंटर्स, राइट? तो चीजें यहाँ पे ये फंसती है कि अगर किसी लड़के ने कोटा में अपना दो साल तीन साल बिता दिया है, उसके बाद उसे अब भी ऐसा लग रहा है कि वो एग्जाम्स क्रैक कर सकता है, क्रैक करे, तो फिर कहाँ जाना चाहिए? क्या हम लोग को कोटा जाना चाहिए या दिल्ली जाए? आई थिंक इंडिया के बाहर जाना बेटर रहेगा. So, कई लड़के ऐसे करते भी हैं. अभी तुम देख लो कि बहुत सारे ऐसे मेडिकल वाले लड़के हैं जो कि बाहर जा रहे थे, रशिया जा रहे थे, यूक्रेन जा रहे थे, वहां से वो डिग्री लेके आ रहे थे, और इंडियन गवर्नमेंट उसे मान्यता दे रही थी कि हाँ चलो आपने यूक्रेन से पढ़ाई की है, अब नाउ यू कैन प्रैक्टिस योर डॉक्टर डिग्री इन इंडिया. बट अभी नए लॉ के हिसाब से, नया जो लॉ आया है यहाँ पे इंडिया में आने के बाद, अगर आप बाहर पढ़ाई कर रहे हैं मेडिकल की और फिर आप इंडिया में आए, तो आपको फिर से यहाँ पे एग्जाम देना पड़ेगा इंडियन गवर्नमेंट. तो यानी कि आपकी दिक्कतें कम नहीं होने वाली हैं. आप चाहे यहाँ पे एग्जाम दे, चाहे बाहर जाके एग्जाम दे, कहीं भी पढ़ाई कर लें, तो कॉम्पिटिशन सेम रहने वाला है. तो यहाँ बात ये आ जाती है कि राइट डिसीजन 12वीं में ही कैसे ली जाए. हाँ, और इसके लिए हमने ये वीडियो बना दिया आपके लिए, तो चालू करते हैं. राइट, तो पहला जो ऑप्शन है किसी भी स्टूडेंट के लिए वो रीजन वाइज वेरी करता है. और सिर्फ इतना ही नहीं, इसके साथ आपको ये भी डिसाइड करना है कि अगर गवर्नमेंट कॉलेज मिला तो ठीक है, नहीं तो प्राइवेट कॉलेजेस में कहाँ जाया जाए? क्या मैं किसी कॉलेज को लूँ जो कि स्टेट एफिलिएटेड है, या फिर मैं किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जाऊँ, वो यूनिवर्सिटी मेट्रोपॉलिटन सिटी में हो, या फिर वो किसी टियर 2 टियर 3 या कहीं गाँव के आसपास हो. चीजें देखोगे तुम, ज्यादातर चांसेस ये होता है कि जैसे छोटे सिटीज से लड़के आते हैं, उनका ड्रीम रहता है कि मैं अपनी 12th के बाद ज्यादा टाइम स्पेंड करूं मेट्रो सिटीज में. तो इससे पहले अगर आप हिंदी बोलने वाले लड़के हैं और आपको इंग्लिश की जानकारी अच्छी नहीं है, तो थोड़ी सी डिफिकल्टी हो सकती है. इसके साथ एक और चीज रह गई है जो कि है आपका ड्रीम, आपका पैशन, आपकी एम्बिशन. आप आखिर में करना क्या चाहते हो? क्या आप गवर्नमेंट ऑफिशियल बनना चाहते हो? तो उसके लिए कोई भी बेसिक एग्जाम ले सकते हो, ठीक है? नहीं, आपने कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करनी है तो आप कोई सा भी अपनी बेसिक डिग्री कंप्लीट कीजिए और फिर एग्जाम की प्रिपरेशन कीजिए. अगर आपको इंजीनियर ही बनना है, अगर आपको डॉक्टर ही बनना है, तो फिर भैया उसके लिए आपको प्रॉपर मेहनत करनी पड़ेगी. तो आपको कोई और चीज होता है उससे पहले, अविनाश इज एन इंजीनियर, आई एम एन इंजीनियर, तो हम लोगों ने अपने अपने डिसीजन काफी हद तक सही ले लिए जो हमें आज पता लगता है. उस टाइम के हिसाब से हम लोग भी कॉलेज के सेकेंड ईयर तक कंफ्यूज थे कि हम लोग ने जो इंजीनियरिंग ली है वो हम लोग को एक अच्छा फ्यूचर देगी, या फिर हम लोग भी बाकियों की तरह कॉलेज के बाद हवा में लटक जाएंगे. तो अगर आप कंफ्यूज्ड हो कि हाँ कौन सा सेगमेंट हमको लेना है, कौन से करियर अपॉर्चुनिटीज अभी ज्यादा ट्रेंडिंग है, तो गूगल तो ऑलवेज देयर फॉर यू. तो वो तो क्या ना, अभी आप रिलेटिव्स के पास जाते हो और रिलेटिव्स आपको ऐसी बातें बता देते जो आपको और कंफ्यूज कर देती है. आप घर आते हो, अपने पेरेंट्स से बात करते हो, बट आपके पेरेंट्स का एनर्जी लेवल आपका एनर्जी लेवल मैच नहीं करता है. तो इसीलिए हर साल बच्चे फंस जाते हैं. तो भैया इससे निकलने के तरीके भी तो ढूंढने पड़ेंगे, तो उससे निकलने के तरीके क्या क्या है? तो इंजीनियर्स को जॉब नहीं मिल रही, और ये काफी सारे और भी सेगमेंट्स में, और हम इस मुद्दे को बार बार उठाते हैं क्योंकि जो बीटेक की रेस लगी थी
वो रेस बहुत टाइम पहले चालू हुई और उस टाइम पे जॉब्स उतनी नहीं थी, तो धीरे धीरे बढ़ी। इंडिया से बहुत सारा ब्रेन पावर बाहर भी चला गया, यहाँ पे भी काफी सारी गवर्नमेंट प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में हम लोगों ने किया, बट काफी सारी बड़ी बड़ी कंपनीज में एक्चुअली में इंडिया के इंजीनियर्स काम कर रहे हैं अच्छी पोजिशन पे। लेकिन अभी क्या हो रहा है, जॉब्स नहीं है, इंजीनियर्स इतने ज्यादा प्रोड्यूस हो गए हैं कि भैया जॉब कहाँ दें। तो जॉब्स है तो अल्टरनेट मार्केट में है। अगर तुम डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स देखोगे जो कि नए डोमेन्स में हैं, बीट ड्रोन्स, बी इट इलेक्ट्रिक कार्स, बी इट व्हाट यू से इंटरनेट ऑफ थिंग्स या एडवांस रोबोटिक्स, इसके अलावा एविएशन है, ऑटोमोबाइल्स है, फैशन टेक्नोलॉजी है, फूड टेक्नोलॉजी है, ऑर्गेनिक फार्मिंग नई चीज है जो कि आ रही है। तो ये सारी फील्ड्स हैं जिसमें आप अपनी करियर प्रोस्पेक्ट देख सकते हैं, और इसके लिए आपको चेक करना पड़ेगा बेस्ट कॉलेज आपके लिए कौन सा रहेगा। तो बेस्ट कॉलेज चेक करने के लिए क्या करना होगा, पॉइंट नंबर 1 गूगल खोलो, पॉइंट नंबर 2 जो स्ट्रीम आपको पसंद है उसके बारे में गूगल में सर्च करो, पॉइंट नंबर 3 आपको एक बार पता लग गया कि कौन सी स्ट्रीम्स आपको अच्छी लग रही हैं उनकी उनसे रिलेटेड कॉलेजेस और एग्जाम्स के बारे में ढूंढो, पॉइंट नंबर 4 आप विकिपीडिया में जितने सारे डिस्क्रिप्शंस दिए हुए हैं उस डिपार्टमेंट के स्पेसिफिक या उस फील्ड के स्पेसिफिक उस उन डिफरेंट लिंक्स पे जाओ, उनको थॉरली रीड करो। पॉइंट नंबर 5 अपने एलुमनाई नेटवर्क को चेक करो, तो जिन जिन कॉलेजेस में आप जाने की एम कर रहे हो उनके एलुमनाइज के बारे में पढ़ो, पता लगेगा जिस स्ट्रीम में आप जाना चाहते हो उसके एलुमनाइज वाकई में कुछ अच्छा कर रहे हैं या फिर आपको दूसरे कॉलेज के प्रोस्पेक्ट को देखना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 6 सारे कॉलेजेस के वेबसाइट्स देखोगे तो क्या होता है कि दो तरह की होती है, एक होता है .ac.in और एक होता है .edu एक्सटेंशन। तो जितने भी .edu एक्सटेंशन के वेबसाइट होते हैं वो काफी पुराने रजिस्टर्ड हैं और उन पे रिलायबिलिटी दिखाया जा सकता है। बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस मिलेंगे जहां पे आपको .org का डोमेन मिलेगा या .com का डोमेन मिलेगा, वो उतने ज्यादा रिलायबल नहीं है। पॉइंट नंबर 7 होगा कि UGC और AICTE की वेबसाइट पे जाकर उन कॉलेजेस के नाम चेक कर ले जाए, जिससे आपको पता लग जाएगा कि उनकी डिग्री जो आपको मिलेगी कॉलेज से पास आउट होने के बाद वो रिलायबल होगी कि नहीं होगी। पॉइंट नंबर 8 कॉलेज लाइफ के बारे में पता करना और कॉलेज की को करिकुलर एक्टिविटीज के बारे में पता करना। ये पता करने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि कॉलेज की वेबसाइट्स पे जाएं, वहां पे स्टूडेंट एक्टिविटी सेंटर की लिंक दिखेगी, उस स्टूडेंट एक्टिविटी सेंटर के डोमेन में आप ये देख सकते हो कि कौन कौन सी वहां के एक्टिविटीज लड़के कर रहे हैं, कौन कौन से प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व हैं, वहां पे किस किस तरह की सोसाइटीज हैं, ये रोबोटिक सोसाइटी हो सकती है, वहां की ऑटोमोटिव सोसाइटी हो सकती है, वहां पे डिबेट सोसाइटी हो सकता है, वहां का म्यूजिक डांस सोसाइटी हो सकता है। तो इससे आपको ये पता लग जाएगा कि और कौन कौन से एवेन्यूज हैं जहां पे आप अपने आप को एक्सप्लोर कर सकते हो। पॉइंट नंबर 9 होगा चेक करना कि कॉलेज की फीस कितनी है, कॉलेज में स्कॉलरशिप्स अवेलेबल है कि नहीं, और अगर है तो उनको अवेल करने के तरीके क्या है, क्योंकि एक बार तो आपको बैठ के अपने पेरेंट्स से ये बात करनी पड़ेगी कि क्या उन कॉलेज में अप्लाई करने के लिए आपके पेरेंट्स रेडी हैं। पॉइंट नंबर 10 आप जिस भी डोमेन में जाना चाहते हो, चाहे वो इंजीनियरिंग हो, चाहे वो मेडिकल हो, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, आप ये चेक करो उसके उस वेबसाइट के प्लेसमेंट सेक्शन में कि कौन कौन सी ऐसी प्रीवियस कंपनीज हैं जो उसका कॉलेज में आ चुकी है, वहां के कौन कौन से ऐसे एलुमनीज हैं जो कि डिफरेंट कंपनीज में काम कर रहे हैं। तो इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि यहाँ पे मेरी करियर अपॉर्चुनिटीज कहाँ कहाँ पे बन सकती है। ये वो 10 पैरामीटर्स हैं जिनको आपने सही से चेक कर लिया तो आप कहीं गलती नहीं खाने वाले। अब हम आपको देना चाहते हैं एक स्पेशल टिप। तो आज के एनवायरमेंट में ऐसे भी बच्चे हैं जिन्होंने अपने घर पे स्टडी किया है, दे आर होम ट्यूटर, दे हैव नॉट अटेंडेड एनी स्कूल टिल 12th एंड दे आर गोइंग टू MIT, मतलब MIT मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। आप गूगल में सर्च करो, दैट्स द मोस्ट एडवांस्ड, दैट्स द मोस्ट हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉलेज इन US, और वहां पे उन्हें एडमिशन मिलती है ऑन फुल स्कॉलरशिप। तो या तो फिर आप कॉलेज के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आप एक साल ड्रॉप ले सकते हैं, या फिर आप फॉरेन यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। चौथा तरीका है बिकमिंग अ सोशल और बिजनेस एंटरप्रेनर, बिकम अ इनोवेटर, डिजाइनर और अ एंटरप्रेनर। इसके क्या तरीके हैं? आपके पास बहुत सारे लैब्स हैं जो कि फॉरेन यूनिवर्सिटी चलाती हैं, MIT मीडिया लैब इंडिया में सेटअप है, उनके ब्रांचेज जो हैं वहाँ पे वो लोग वर्कशॉप्स करवाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज करवाते हैं, हैकाथॉन्स करवाते हैं, जो कि आप 12th जैसे आपने 12th पास किया उसके बाद आप उनके लिए अप्लाई कर सकते हो और उसमें अपनी स्किल्स को शोकेस कर सकते हो। बेस्ड ऑन योर स्किल्स दे विल शॉर्टलिस्ट यू फॉर
गोइंग इनटू एमआईटी मीडिया लैब। तो एमआईटी एक एग्जांपल था, इसी तरीके से और भी कॉलेजेस जिनमें आप अप्लाई कर सकते हैं। इंडिया में आपको चेक करना पड़ेगा कि ऐसा कोई कॉलेज है जो आपको मेरिटल स्कॉलरशिप दे सके आपके स्किल्स के बेसिस पर। पर मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस आपको इंडिया के बाहर ही मिलेंगे और उनमें स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज बहुत अच्छी हैं, तो ये आपके लिए एक्सरसाइज हो सकती है। डोमेन्स हैं जो सबसे ज्यादा डिमांडिंग है, पहला आता है अभी स्पेस साइंस, जिसके लिए इसरो ने अपना खुद का करिकुलम स्टार्ट किया है, उसमें आप अप्लाई कर सकते हो स्टडी के लिए। दूसरा है पेट्रोलियम, पेट्रोलियम में बहुत सारे आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे। तीसरा डोमेन जो अभी बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है वो है केमिकल इंजीनियरिंग और एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, इसमें काफ़ी सारे अपॉर्चुनिटीज आपको दिखेंगे। इसके अलावा फिनटेक एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो कि नया निकला है और वो बहुत आगे जा रहा है। कंप्यूटर साइंस में भी एप्लीकेशन डेवलपमेंट और वेब पोर्टल की ब्रांच भी काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी शो कर रही है और डाटा साइंस की फील्ड भी बहुत अपॉर्चुनिटी शो कर रही है। चाहे वो बायोमेडिकल हो, बायो इंजीनियरिंग हो, चाहे वो सप्लाई चेन मैनेजमेंट हो, ये वो सारी डिफरेंट फील्ड्स हैं जो कि इमर्जिंग है और इसमें आपको एक ट्राई देना चाहिए। तो हम आपको कुछ एग्जांपल्स देना चाहेंगे जिससे आप अपने स्किल्स को रिलेट कर पाए। सपोज आपके कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे हैं, आप अच्छा बोल पाते हैं, तो आप एक इफेक्टिव कम्युनिटी मैनेजर बन सकते हैं। और अगर आपको कंप्यूटर्स और गेमिंग में इंटरेस्ट है तो आप AR/VR डेवलपर बन सकते हैं। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स से खेलने का शौक है तो आप एक ड्रोन ऑपरेटर बन सकते हैं, ड्रोन डिजाइनर बन सकते हैं, आप IoT डिवाइसेस में अपना फ्यूचर देख सकते हैं। तो ये रही आज की हमारी 12th के बाद आप क्या कर सकते हो, कौन कौन से कॉलेजेस में अप्लाई कर सकते हो, किस तरीके से अच्छे तरीके से अप्लाई कर सकते हो, ये हमारा आज का एपिसोड रहा। इस पे नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग ये बताने वाले हैं कि अगर आप इंजीनियरिंग कॉलेज या मेडिकल कॉलेज या किसी भी ऐसे कॉलेज में हो जहाँ पे आपको इंटर्नशिप चाहिए, तो आप उसके लिए क्या बेस्ट तरीके हो सकते हैं आप इंटर्नशिप अप्लाई करने के, कौन कौन से एवेन्यूज ओपन हैं अभी। सो नेक्स्ट एपिसोड में हम बात करेंगे हाउ टू आइडेंटिफाई एंड क्रैक द बेस्ट इंटर्नशिप्स अवेलेबल ऑन इंटरनेट। कैसे आप लोग को इंटर्नशिप आइडेंटिफाई करनी है, कौन कौन सी कंपनीज बेस्ट है, अगर आप किसी प्रोफेसर के अंडर इंटर्नशिप करना चाहते हो तो कौन सा तरीका अपनाया जाए जिससे आप रिसर्च इंटर्नशिप कर सको, कौन सा तरीका अपनाया जाए जिससे आप स्टार्टअप्स में इंटर्नशिप कर सको, और कौन सा तरीका अवॉइड किया जाए जिससे आप फ्रॉड कंपनीज में इंटर्नशिप ना करो। इस वीडियो के पीछे हाथ रहा उन 800 ईमेल्स का जिसमें हमें अलग अलग क्वेश्चंस पूछे गए थे और हमें बोला गया था कि 12th के स्टूडेंट्स के लिए भी एक वीडियो बनाई जाए। तो होप कि आपको बहुत अच्छी लगी हो। सो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और हमें जरूर ईमेल कीजिए अगर आपके कोई और क्वेश्चंस हैं जो आप चाहते हैं कि हम दोनों मिलके उन्हें उनके आंसर करें। इवन आप कमेंट बॉक्स में भी अपना कमेंट छोड़ सकते हो अगर आपको कोई ऐसी क्वेरीज है। वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू रिप्लाई एंड ऑल द बेस्ट। पर खास करके 12th ऐसा टाइम है जहां पे टीनेज सबसे ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं, राइट? पर आज के इंडस्ट्री, आज का जो एज है, यहाँ पे जो व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन सब चीजों के बीच में आप लड़के कंफ्यूज हो रहे हैं कि आखिर बेस्ट क्या है। तो आप सबके पास स्मार्टफोन की एक्सेस तो होगी ही, उसमें व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, यूट्यूब है, लिंक्डइन भी है। लिंक्डइन एक्चुअली कॉलेज के बाद वाले लिंक्डइन प्रोफेशनल्स यूज करते हैं। अभी अगर 12th में चाहे तो 12th में यूज करना स्टार्ट करें। लिंक्डइन गिव्स यू अ एज इन योर इंडस्ट्री, वो आपके प्रोफाइल को अच्छे तरीके से दर्शाता है और आप उसमें अपने सारे एसेट्स, अपने स्किल्स, कौन कौन सी एजुकेशन ली है, कौन से कोर्सेज आपने किए हैं, उसे वहां पे लगा सकते हैं और बाकी लोग उसे देख के आपकी तारीफ कर सकते हैं। राइट, तारीफ कर सकते हैं।